हेलो दोस्तों, फिर से आ चुके हैं हम आप लोग के बीच। एक बार बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोई भी नया नोटिस आता है, कोई भी नई जानकारी आती है, तो सबसे पहले हम आपके पास पहुंचाते हैं। ये बातें YouTube पर सर्च कर लीजिए, आपको प्रूफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, बिहार स्वास्थ्य विभाग के रिलेटेड खास करके NM 8853 का वैकेंसीज से लेकर के तैयारी कराने तक उसमें जो अहम भूमिका रहा और रिजल्ट तक आप लोग का हम पूरे साथ आपके हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपके साथ रहेंगे, ये मेरी वादा है। क्योंकि आप लोग का जो प्यार है मुझे बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग हम पे बहुत इंटरेस्ट भी करते हो, इसलिए हम आपके लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। चलिए, आज बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपको देंगे। जैसे कि आप थंबनेल में ऊपर में ही देख रहे हैं कि NM 8853 का रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, इसका वेट सारे कैंडिडेट कर रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, एक और डॉट, NM 865 का जो रिजल्ट जारी हो चुका है, ज्वाइनिंग कर भी लिए हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कितने कैंडिडेटों का इसमें से ऐसा है जिनका 8853 में भी नाम आने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स, क्या वेटिंग लिस्ट भी बनेगा, ये बड़ी क्वेश्चंस हैं। और बहुत बड़ी खुशखबरी देख लो, ऐसा हमने इसलिए लिखा है कि आप लोग जब ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, पूरे देख लीजिएगा, तब जाकर के आप खुद ही खुश हो जाएंगे कि क्या सर सच में सही बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे। चलिए, ऑफिशियल जानकारी है रिजल्ट के रिगार्डिंग, हम पूरे अपडेट देते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, आपने हमें बहुत बार कमेंट किया था, जितना डॉट हम आपको बताएं, जैसे कि एक बार फिर से रिव्यू देख लो, 8853 NM का रिजल्ट कब आएगा, वेटिंग लिस्ट बनेगा कि नहीं, और 865 NM का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो क्या होगा, कैसे कैसे होगा। ये तीन कमेंट एक ऐसा कमेंट है जो मुझे, हम कैलकुलेट किए तो 500 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये क्वेश्चंस पूछे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट ये क्वेश्चंस पूछे हैं, ये तीनों क्वेश्चन, रिजल्ट कब आएगा, वेटिंग लिस्ट बनेगा कि नहीं, 865 NM का जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं। तो इसीलिए हम सोचे कि आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, कंप्लीट जानकारी दे दूँ, और कुछ ऑफिशियल जानकारी भी हम रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट लिए तो वो भी दे दूँ, जिससे कि आप लोग संतुष्ट रहेंगे और हम पे इंटरेस्ट रखते हो तो हम आपके लिए कुछ कर सकेंगे। चलिए, हम एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे NM 8853 का रिजल्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब आएगा। फ्रेंड्स, आपने ये बात सुने ही होंगे, YouTube पर हम पहले ही दिन बहुत बार, कितने ऐसा वीडियो होंगे जिसमें हम रिजल्ट के रिगार्डिंग बार बार कह रहे हैं कि जून तक, यहाँ पर जून तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिएगा, जून तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब इसके पहले भी आ सकते हैं या जून के एक दो सप्ताह आगे भी जा सकते हैं, लेकिन एक अगर कंफर्म डेट मानोगे, एक एक्सेप्टेड डेट मानोगे, अनुमानित डेट, तो जून तक आपको हर हाल में वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग ये देख रहे हो, मार्च अप्रैल ख़त्म हो गया, मई मंथ ये चल रहा है, आप लोग को जून तक थोड़ा धैर्य बना कर रखिए। चूँकि फ्रेंड्स, 8853 सीट हैं और इसमें 12,000 प्लस कैंडिडेटों ने DV करवाया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनता है तो डॉक्यूमेंट एक एक करके चेक करना पड़ता है, फिजिकली चेक करना पड़ता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनने के बाद उसे जॉब देना होगा सरकार को, इसीलिए अच्छी तरह से चेक करते हैं। और इन सारे कैंडिडेट में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट के हैं, तो अदर स्टेट वाले के डॉक्यूमेंट को चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा, थोड़ा वेट करना होगा। साथ ही बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट फर्जी रहते हैं, रजिस्ट्रेशन सही नहीं रहते हैं, उसके बाद डेट एक्सपायरी रहते हैं, बहुत सारा फॉल्ट होता है, इसीलिए DV के जो चेक होता है उसमें टाइम लगता है। आप लोग वेट करिए, आप लोग को घबराना नहीं है, थोड़ा धैर्य के साथ रहना है, ये चीज़ हो गया। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं आप लोग के साथ कि इसमें वेटिंग लिस्ट बनेगा कि नहीं। देखिए, 8853 कैंडिडेटों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, सिर्फ मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा और एक वेटिंग लिस्ट भी बनेगा। फिर से सुन लीजिए, एक वेटिंग लिस्ट बनेगा, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट हो सके तो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि वेबसाइट पर अपलोड नहीं करेगा, लेकिन गोपनीय रूप से डिपार्टमेंट अपने फाइल में एक वेटिंग लिस्ट बना करके रखते हैं। चूँकि आप लोग देखे होंगे 865 NM का जब फाइनल मेरिट लिस्ट आया तो इनके साथ वेटिंग लिस्ट नहीं आया, यानी कि वेटिंग लिस्ट नहीं दिखाया गया, लेकिन इनके लिए भी वेटिंग लिस्ट बन करके तैयार है। अगर 865 कैंडिडेट का जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो अभी लास्ट होने वाला है, अब सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर भी लिए हैं, अब इनमें से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर दूसरे जॉब हो गए होंगे तो चले जाएंगे,
बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हो सकता है, अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनके लिए जो वेटिंग होगा उस वेटिंग में से इनको ज्वाइन करवाए जाएंगे। इसलिए वेटिंग लिस्ट हो सकता है कि डिपार्टमेंट नहीं दिखाएं, लेकिन ज़रूर बनेगा, इतना कंफर्म रहिए। यानी कि यहाँ पर आप लोग कंफर्म हो गए कि वेटिंग लिस्ट भी बनेगा। वेटिंग लिस्ट बनने से आप लोग को फ़ायदा है, फ़ायदा इसलिए है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर जॉब कुछ दिन करते हैं छोड़ देते हैं, तो इन वेटिंग लिस्टों में से उन लोगों को ज्वाइन कराया जाता है। हम आपको एक प्रूफ भी देंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले हम आपको दिखाए थे एक वीडियो जिनमें कि वेटिंग लिस्ट में से कैंडिडेटों को ज्वाइन कराया गया था। सीनियर रेजिडेंट का था, सीनियर रेजिडेंट का हमने वीडियो अपलोड किया है, देख लीजिएगा, 2-3 दिन पहले, वेबसाइट पर भी उसका है। सीनियर रेजिडेंट का जो यहाँ पर रिजल्ट दिया है वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का भी दिया है, करीब 25-30 कैंडिडेट है। तो वेटिंग लिस्ट बनते हैं, पहले भी एएनएम का या नर्स का जो रिक्वायरमेंट पूरा हुआ है तो वेटिंग लिस्ट बनाया गया था, उनको लिया गया था, इसलिए वेटिंग लिस्ट इस बार बनेगा। इस क्वेश्चन से आप लोग कन्फर्म हो जाइए। अब फ्रेंड्स हम आपको 865 NM वाले की बात करेंगे। 865 NM का तो ज्वाइनिंग प्रोसेस अंतिम चरणों में है, लगभग ज्वाइनिंग खत्म होने वाले होंगे, इसके लिए आप लोग को जानकारी पहले भी दिए थे। अब इन 865 में से 600 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मिलान हमने 853 वाले का जब रिजल्ट आया था उसमें से किए थे, तो 600 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट यहां पर हुआ है। तो ये 600 कैंडिडेट तो ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर देख लीजिए, ये 600 तो ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद यहां पर क्या होगा कि इन कैंडिडेटों का मेरिट लिस्ट बनेगा, इन 865 में से 600 कैंडिडेट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन ये लोग तो ज्वाइन कर लीजिए, इसीलिए ये कैंडिडेट यहाँ पर सीट खाली हो गया। अब यही सीट वेटिंग लिस्ट जो बनेगा उसमें से भरा जाएगा। फिलहाल तो आप लोग को 8853 में इनका रिजल्ट बनेगा जिनका रिजल्ट यहाँ पर हुआ है, मेरिट लिस्ट भी बन जाएगा, लेकिन ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि इन लोग तो ज्वाइन कर लिया, इसलिए वेटिंग लिस्ट में से लेगा। यह एक अच्छी बात है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि लगभग सारे कैंडिडेटों का यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ये चीज़ कन्फर्म हो गया। अब बात है खुशखबरी का, तो खुशखबरी हम इसलिए कह रहे हैं कि रिजल्ट आप लोग को बहुत जल्दी देंगे, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में इतनी जल्दी काम कर रहे हैं तो आप लोग को खुश होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आप लोग वैकेंसीज देख लीजिए उठा करके, जिसमें आपको इतना जल्दी नहीं मिलेगा, इतना जल्दी एग्जाम लेकर के डीवी करवा लिया, बहुत बड़ी नंबर संख्या है, फिर भी इतना फास्ट हो रहा है। दूसरी बात कि 865 का ज्वाइनिंग ले लिया तो इतना सीट यहाँ पर खाली होगा, और इन सीट जो खाली होगा तो जो कैंडिडेट यहाँ पर हैं बेरोजगार उनको यहाँ पर जॉब मिलेंगे। तो ये दो बड़ी खुशखबरी है, और वेटिंग लिस्ट भी बनेगा, ये भी एक खुशखबरी है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बनने से जो कैंडिडेट का कम मार्क्स रहता है उसका भी बाद में हो जाता है, तो ये भी एक खुशखबरी है, इसलिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके अलावा भी कोई आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, हम सारे कमेंट को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हम जवाब नहीं देते हैं तो कमेंट नहीं पढ़ते हैं, कमेंट टोटल पढ़ते हैं, उस कमेंट में से जो मुझे अच्छा लगता है उसका जवाब हम तुरंत भी दे देते हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसका हम जवाब दे देते हैं, जब अच्छा रहेगा क्वेश्चन, सारा चीज सही रहेगा, आपका जवाब देने लायक रहेगा तो हम तुरंत जवाब दे देते हैं। अदरवाइज अगर लगता है कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसी तरह से हम एक वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं, तो हम आपको अगला वीडियो फिर बनाएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा कि आपका क्या डिमांड है उस डिमांड को लेकर के, और अगला वीडियो जो हम दो इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे और वो वीडियो आप लोग बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से क्लियर हम बता देंगे कि कितने स्टूडेंटों को यहाँ पर जॉब होगा और किन कैंडिडेटों का जॉब नहीं होगा और किस आधार पर नहीं होगा, वो पूरा एनालिसिस करके हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। साथ ही फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है न्यू वैकेंसीज का, उसको देख लीजिएगा, जिससे कि नए वैकेंसीज पे भी अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट रिक्वायरमेंट वाला भी वैकेंसीज आया हुआ है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उम्मीद करते हैं जरूर देखिएगा, देखते रहिए, तब तक कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।